सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग ई पैन कार्ड अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं, चाहे वो ई केवाईसी के थ्रू हो, ई साइन के थ्रू हो, या फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन के थ्रू हो, तो यहाँ पे आप लोगों को चैलेंज क्या हो रहा है कि जब भी आप वो पैन कार्ड किसी बैंक अकाउंट में सबमिट करते हैं या बैंक अकाउंट नया खुलवाते हैं, तो वहाँ पे इनवैलिड शो होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि वो जब आप अपने बैंक में सबमिट करें तो वो डायरेक्टली सबमिट हो जाए, इनवैलिड शो ना करे। तो इसका आज मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में, तो वो आप लोग को सोल्यूशन अच्छे से लर्न करना है, और जो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा वो स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं, ताकि जब भी आप नेक्स्ट कभी भी अपना बैंक में ई पैन कार्ड अपना सबमिट करें तो वो इनवैलिड शो ना हो, और उससे जो भी आप लोगों का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ दबा देना बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई अपने चैनल के ऊपर नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और वीडियो आप लोग देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। जो भी आप लोग ई पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोसेस के थ्रू हो, ई केवाईसी अगर आप लोगों ने करवाया है, या वो ई साइन कराया है, या फिर आप लोगों ने फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना ई पैन कार्ड बनवाया है, तो यहाँ पे जब वो ई पैन कार्ड आता है, दो तरीके से होता है, या तो आपके मेल पे आता है या हार्ड कॉपी पे आता है। मेल पे तो आप लोगों का विद इन 48 आवर्स के अंदर, अगर आप लोगों ने सही डिटेल सही फिल करी है, तो विद इन 48 आवर्स आपके मेल पे आ जाता है, और उसके 2-3 दिन बाद आप लोगों को हार्ड कॉपी आ जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए, ई केवाईसी या ई साइन के थ्रू जब आप इंस्टेंट ई पैन कार्ड बनता है आप लोगों का, तो बहुत बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि यार, जो उनका डाटाबेस में जो उनका जो इन्फॉर्मेशन होती है स्टोर नहीं होती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, तो यहाँ पे कुछ टाइम लगता है उनको उस डाटाबेस को अपडेट करने के लिए जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि जो पैन कार्ड है वो तो एक सिस्टम के थ्रू आपको जनरेट करके आ जाता है, कि देखिए, आप बहुत सारी जगह ऐसे प्रोसेस आप लोगों ने देखे होंगे कि आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होके आ जाता है, बट बैकग्राउंड में उसका डाटाबेस में वो स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ वो नहीं पता होता है। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है, तो सबसे पहली बात ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है कि जब भी आप कोई इंस्टेंट ई पैन कार्ड बनता है तो उसको इंस्टेंट आप लोगों को कहीं भी किसी बैंक अकाउंट में या फिर कहीं पे भी आप लोग सबमिट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को इंस्टेंट सबमिट नहीं करना है, कुछ टाइम तक वेट करना है। तो मेन बात पे आते हैं कि यार, इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हम लोग जब भी अपना ई पैन कार्ड बैंक में सबमिट करें या अकाउंट खुलवाएं, वहाँ पे इनवैलिड शो ना हो। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी पैन कार्ड आप लोगों के पास में आता है, चाहे वो मेल के थ्रू आए या वो हार्ड कॉपी में आए, आप लोगों को 15 दिन वेट करना है। 15 डेज़ के बाद ही आप लोगों को जो भी कहीं पे भी बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वहाँ पे आप लोग उसको सबमिट कर सकते हैं। 15 डेज एटलीस्ट ई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेता है उस डाटाबेस को अपडेट करने के लिए, एज़ पर ऑफिशियल जो इनकी वो है कि 15 दिन वो लेगा जो भी उनका आप लोगों ने डाटा दिया है उसको बैकग्राउंड में अपडेट करने के लिए। इन केस अगर तब भी नहीं होता है तो जो भी आप लोगों को पैन कार्ड मिलता है, आप लोगों को जो भी इसका रेफरेंस नंबर मिलता है, वो आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेल डालना होता है। अब मेल का सीधा सीधा फंडा ये है कि जो आप मेल डालते हैं, जो भी आप लोगों को एप्लीकेशन आते हैं, वहाँ पे आप लोगों को मेल आईडी भी उनकी प्रोवाइड की जाती है और सारे फ़ोन नंबर्स वगैरह सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी आप लोगों का लोकल होता है, साथ ही साथ आप लोगों का हेड ऑफिस का। अब वहाँ पे आप लोगों को मेल डालनी है कि सर, हम लोगों का ये पैन कार्ड हम लोगों को रिसीव हुआ है, जो हम लोगों ने ई पैन कार्ड बनाया है। वहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे कि आप लोगों ने ई केवाईसी के थ्रू बनाया है या ई साइन के थ्रू बनाया है, या आप लोगों ने फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करके बनवाया है। अब यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट आप लोग सबमिट करेंगे, साथ में साथ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेल पे डालनी है, प्लस वहाँ पे आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपका पैन कार्ड की जो कॉपी है, वो सारी चीज़ें अटैच करके आप लोगों को भेजनी है। अब बहुत बार देखिए, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस है, हार्ड कॉपी जहाँ पे आप लोग फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करके बनवाते हैं वहाँ मोर चांस ये रहता है, क्योंकि वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जो हमारे जैसे लोग बैठे होते हैं वहाँ जाके वो फिजिकली वेरीफाई होते हैं। अब ऑनलाइन में वेरीफाई का क्या है कि जो आधार से उठा लेता है, या फिर ई साइन में आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अपलोड किए डिजिटली करके, उनको वेरीफाई होता है, बट फिजिकल डॉक्यूमेंट में मैनुअली चेक करते हैं, कोई आपका मतलब हमारी तरह कोई ह्यूमन बैठ के वहाँ पे चेक कर रहा होगा उसको, उसके बाद आप लोगों को ई पैन कार्ड मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम भी लगता है वो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट में लगता है, और मोर चांस जो होते हैं आप लोगों के बनने के ई पैन कार्ड को, फिजिकल डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा होते हैं। ई केवाईसी में आप लोग का इंस्टेंट बन के आता है, और बहुत बार क्या होता है, देखिए, अपडेट भी हो जाती है चीज़ें और बहुत बार बार नहीं भी होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे गैप है गवर्नमेंट में और हमारे जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों को भी देखना है कि यार, इसमें मतलब इंस्टेंट हम लोग ना सबमिट करके 15 दिन वेट करें। और जो मैंने आप लोगों को मेल वाला प्रोसेस बताया है, ये मेल वाला प्रोसेस जरूर फॉलो कीजिए जब भी आप लोगों को पैन कार्ड आता है। मतलब ये डिफ़ॉल्ट आप लोग कर सकते हैं कि पैन कार्ड आप लोग का है और आप लोग उनको मेल डाल सकते हैं कि
कि हम लोगों को ऐसे ऐसे मेल रिसीव हुआ है, हमारा पैन कार्ड आ गया, उसको आप लोग प्लीज़ एक्टिवेट कर दीजिए। ये हम लोग जहाँ पे भी सबमिट कर रहे हैं, बैंक में सबमिट कर रहे हैं या डिफरेंट जगह कहीं पे भी, आप गवर्नमेंट के कहीं पे भी सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे इसको इनवैलिड शो हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इसको एक्टिवेट कीजिए। तो ये चीज़ जो NSDL वाले होते हैं या UTI वाले होते हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं, ये आप लोग को इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे उसके ऊपर एक्टिवेट करके भी, या इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। और ये जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है, देखिए अगर आप लोगों के पास टाइम है तभी इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए जो ऑनलाइन आप लोगों को दिया गया है। इनकेस अगर आप लोग जल्दी में बनवाना चाहते हैं, कहीं पे कुछ है, तो आप लोग ऑफलाइन जाके बनवा सकते हैं। वहाँ पे आपका 3 या 4 दिन में आप लोगों का पैन कार्ड बन के आ जाता है मेल आईडी पे, और वो जो पैन कार्ड बन के आता है वो सही में जो बैकग्राउंड में जो इनकी इन्फॉर्मेशन फीड होती है उसके बाद ही आप लोगों को बन के आता है। ऑनलाइन पैन कार्ड का यार देखिए बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि जैसे आप लोग बताते हैं, जिसमें आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं कि बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं तो वहाँ इनवैलिड बता रहा है, डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो वहाँ पर इनवैलिड बता रहा है, या हम लोग कहीं डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे रहे हैं वहाँ पे भी इनवैलिड बता रहा है। ये केस हो जाते हैं बहुत बार, बट बहुत मिनिमम होते हैं, क्योंकि जो मैंने भी बहुत सारे लोगों के पैन कार्ड बनाए हैं उनमें भी 1-2 बार चांस आता है कि यार इनवैलिड शो हो जाता है। तो उसका सेम प्रोसेस वही यार कि मेल डालिए आप लोग, और मेल डालने के बाद आप लोगों को क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, और जो भी आप लोगों के पैन कार्ड में चेंजेस हैं या जो इनवैलिड बता रहा है वो ठीक किया जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस था, अगर आप लोगों का पैन कार्ड इनवैलिड शो हो रहा है तो जो भी मेल वाला मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताया ये आप लोगों को फॉलो करना है, और इससे आपका पैन कार्ड है वो वैलिड हो जाएगा। तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी, और इनकेस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ मैं आप लोगों के कमेंट्स की इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। यूट्यूब पर बहुत बार क्या होता है कि यार कमेंट्स स्किप हो जाते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनके इंस्टेंट रिप्लाई देना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।